हेलो फ्रेंड्स, आज ये नेशनल पार्क की पाँचवीं लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सारा यानी जितने भी टोटल 104 नेशनल पार्क है इंडिया में, पूरे 104 नेशनल पार्क को कवर कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो स्टेट पीसेस हो या यूपीएससी में हो, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बचेगा ये नेशनल पार्क से रिलेटेड, जो यहाँ पर छूट गया है, कवर नहीं हो पाया, वो वहाँ पर कवर कर लेंगे हम लोग। तो आज हम लोग जितने भी साउथ इंडिया के सारे नेशनल पार्क हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो हम लोग पढ़ेंगे वो केरला के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो केरला में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, तो वो सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नेशनल पार्क है अन्नमुडी सोला नेशनल पार्क। सोला एक लोकल नेम है, मलयालम वर्ड है, लोकल नेम है ये। ये जो है जो यानी पैचेज होता है फॉरेस्ट का, पैचेज ऑफ फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड में जो पैचेज होता है फॉरेस्ट का, यानी ट्री का जो पैचेज होता है वैली में, उससे ही लोकल नेम में सोला बोला जाता है, चोला या सोला इसे बोला जाता है। ये अन्नमुडी सोला नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्टर्न घाट में है, यानी वेस्टर्न घाट में ये है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। टोटल एरिया जो है इस नेशनल पार्क का वो है 7.5 स्क्वायर किलोमीटर। जो इम्पोर्टेंट फोना स्पेसीज है यहाँ पे वो है एलिफेंट है, टाइगर है, पैंथर है, इंडियन बाइसन है, नीलगिरी ताहर है, गौर है, स्पॉटेड डियर है, सांबर है, जायंट ग्रिजल्ड स्क्विरल है, हनुमान लंगूर है, स्लॉथ बियर है, फ्लाइंग स्क्विरल्स है। तो ये सब एक बार रीड करके रखना है, एक आइडिया रहेगा, बाकी रटने की कोशिश नहीं करना है। एक दो बार के वाला आप रीड कर लेंगे तो ये याद रहेगा आपको। तो इसे आप एक बार मैप में देख लेते हैं कि अन्नमुडी नेशनल पार्क, तो अन्नमुडी नेशनल पार्क 1 है यहाँ पे, तो 1 आप यहाँ पे देख लीजिए कि 1 यहाँ पे ये लोकेटेड है अन्नमुडी नेशनल पार्क। ये टोटल एरिया इसका है 7.5 स्क्वायर किलोमीटर और ये 2003 में इसे नोटिफाई किया गया था। तो ये था अन्नमुडी नेशनल पार्क। सेकेंड नेशनल पार्क जो है केरला का वो है एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि ये भी वेस्टर्न घाट में ही लोकेटेड है और ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, इडुक्की और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के इडुक्की और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, फैला हुआ है, यानी दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पहला नेशनल पार्क है केरला का, फर्स्ट नेशनल पार्क है ये केरला का। इसका टोटल जो एरिया है वो 97 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत सारे पेरिनियल स्ट्रीम्स फ्लो करती है और वो फाइनली जा करके मर्ज हो जाती है पेरियार रिवर के ट्रिब्यूटरी में जाकर के मर्ज हो जाती है, जो कि इस नेशनल पार्क के वेस्ट से फ्लो होती है, और कावेरी रिवर जो कि इस नेशनल पार्क के ईस्ट से फ्लो होती है। लक्कोम वाटरफॉल जो है वो इसी नेशनल पार्क के अंदर है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है इसे। ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है इंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एराविकुलम नेशनल पार्क जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कि नीलगिरी ताहर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसका, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और भी अदर स्पीसीज यहाँ पे पाया जाता है, जैसे है लाइन टेल्ड मकाक हो गया, गौर हो गया, इंडियन मोनटैजिक हो गया, सांबर डियर हो गया, गोल्डन जैकल हो गया, जंगल कैट हो गया, वाइल्ड डॉग, ढोले, लेपर्ड एंड टाइगर आर द मेन प्रीडेटर्स। ये सब मेन प्रीडेटर यहाँ पे माने जाते हैं। और कुछ जो है स्मॉल लिटिल नॉन एनिमल यानी कुछ कुछ पाए जाते हैं, जैसे है नीलगिरी लंगूर, स्ट्राइप नेक्ड मंगूज, इंडियन पोर्क्यूपीन, नीलगिरी मार्टिन, स्मॉल क्लाउड ओटर, रूडी मंगूज, डस्की पाम स्क्विरल, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे कभी कभी आपको जो है सीजनली एलिफेंट भी देखने को मिलता है। तो एक बार इसे मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये जो पोर्शन था ये था अन्नमुडी सोला नेशनल पार्क, और जो एराविकुलम नेशनल पार्क है वो 5 नंबर पे, यानी ये जो है आपका एराविकुलम नेशनल पार्क है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अन्नमुडी सोला नेशनल पार्क है वो नॉर्थ में सिचुएटेड है एराविकुलम नेशनल पार्क का, और एराविकुलम नेशनल पार्क जो है उससे अन्नमुडी सोला नेशनल पार्क से साउथ में सिचुएटेड है। तो एक बार ये सब मैप में देख लेना है। अब तीसरा नेशनल पार्क जो है केरला का वो है पंपा दुम सोला नेशनल पार्क। अब पंपा दुम जो है ये मलयालम वर्ड है, लोकल वर्ड है। पंपा मीन्स होता है स्नेक और दुम मतलब होता है डांस, यानी स्नेक यहाँ पे बहुत सारे
यानी माना जाता है कि डांस यहाँ पे बहुत सारे स्नेक मिलता है, डांस करता है ये सोला नेशनल पार्क में, तो इसलिए इसका नाम है पंपाडूम सोला नेशनल पार्क। ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ये भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है केरला के। ये जो है पलानी हिल में लोकेटेड है, अगर जोग्राफिकली अगर देखें तो पलानी हिल में ये लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका टोटल एरिया जो है 1.32 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो इंपॉर्टेंट फौना स्पेसीज है वो है नीलगिरी मार्टिन, लेपर्ड, इंडियन वाइल्ड डॉग्स, ये सब इंपॉर्टेंट फौना स्पेसीज है। अब इसे एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, पंपाडूम नेशनल पार्क, तो 6 नंबर यहाँ देखिए पंपाडूम सोला नेशनल पार्क है, तो ये 6 नंबर यहाँ पे ये पंपाडूम सोला नेशनल पार्क हो गया। और टोटल एरिया इसका पंपाडूम सोला नेशनल पार्क का है 1300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब चौथा नेशनल पार्क जो है वो है मथिकेतन सोला नेशनल पार्क। मथिकेतन भी एक मलयालम वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि माइंड कन्फ्यूजर, माइंड कन्फ्यूजर, यानी आप एक बार फॉरेस्ट में इंटर करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से बाहर निकलना है, बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो इसलिए इसे मथिकेतन सोला नेशनल पार्क बोला गया है। और ये भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। इसका टोटल एरिया जो है 12.82 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसे हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। एक चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था पंपाडूम सोला नेशनल पार्क, इसका एरिया है 1.32 स्क्वायर किलोमीटर, 1.318 स्क्वायर किलोमीटर, ये पॉइंट ध्यान मैंने नहीं दिया था डेसिमल, ये 1318 गलती से बोला गया, तो ये आप ध्यान रखना कि 1.32 स्क्वायर किलोमीटर है ना कि 1300 स्क्वायर किलोमीटर है। और अब जो हम लोग पढ़ रहे थे मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, ये सेकंड नंबर है, यानी यहाँ पे ये मथिकेतन सोला नेशनल पार्क है जिसका एरिया है 12.82 स्क्वायर किलोमीटर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पचमा नेशनल पार्क है वो है पेरियार नेशनल पार्क, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये लोकेटेड है दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है केरला के, एक तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट और दूसरा जो है पथनमथिता, ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, यानी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। टोटल एरिया जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया का वो है 925 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इसका जो कोर एरिया है 305 स्क्वायर किलोमीटर, उसे जो है पेरियार नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया 1982 में। ये जो नेशनल पार्क है ये दो रिवर के कैचमेंट एरिया में आता है, यानी दो रिवर के वाटर शेड के अंदर आता है, वो है पेरियार रिवर और पंबा रिवर। ये आपको याद रखना है कि पेरियार नेशनल पार्क जो है वो पेरियार रिवर और पंबा रिवर इसके कैचमेंट एरिया में लोकेटेड है। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये पार्क जो लोकेटेड है कार्डमम हिल और पेंडलम हिल के जंक्शन पे लोकेटेड है, यानी ये दोनों के बीच में लोकेटेड है, कार्डमम हिल और पेंडलम हिल, ये दोनों ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोकेटेड है। इसे जो है ओफेनली जो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है, या तो ठेकेडी बोला जाता है, ठेकेडी ये भी नाम से पूछा जाता है, ठेकेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या तो नेशनल पार्क अगर पूछे तो ये ध्यान रखना कि ये पेरियार नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फ्लोरा स्पीसीज है, अगर फ्लोरा का बात करें यानी वेजिटेशन का बात करें, तो ये मेनली जो है मेडअप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ये मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं। जो फॉरेस्ट हो गया यहाँ पे डेसीडियस फॉरेस्ट हो गया, डेसीडियस फॉरेस्ट हो गया, सेमी एवरग्रीन ट्री हो गया, जैसे कि टीक हो गया, रोजवुड हो गया, टर्मिनेलियस और सैंडलवुड्स, जेकारंडस, मैंगो, जामुन, टेमरिंड, बनियान, सेक्रेड फिग, प्लमेरियाज, रॉयल पोइंसियाना, कीनो ट्री, बम्बोज, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी डेसीडियस फॉरेस्ट, डेसीडियस ट्री से हो गया और सेमी एवरग्रीन ट्री, ये सब भी पाए जाते हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा स्पेसीज हो गया। जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज हो गया ये मेनली फेमस है एशियन एलिफेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको वाइट टाइगर भी देखने को मिलेगा, और भी अदर मैमल्स हो गया जैसे गौर हो गया, सांबर हो गया, वाइल्ड पिग हो गया, इंडियन जायंट स्क्विरल, ट्रेवन कोर, फ्लाइंग स्क्विरल, जंगल कैट, ढोले, स्लॉथ बियर, नीलगिरी ताहर, फिर लायन टेल्ड मकाक, नीलगिरी रंगूर, सलीम अलीज फ्रूट बैट, स्ट्राइप्ड नेक्ड मंगूज, नीलगिरी मार्टिन, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं फौना स्पेसीज। अब इसे एक बार मैप में देख लेते हैं, तो पेरियार नेशनल पार्क 4 नंबर यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये पेरियार नेशनल पार्क है। इसका टोटल एरिया
350 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और इसे 1982 में डिक्लेयर किया गया था। जो लास्ट नेशनल पार्क है केरला का, वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये नीलगिरी में लोकेटेड है और केरला के पलक्कर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये जो है कोर माना जाता है, जो कोर एरिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, उसी को डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क। यानी ये जो है कोर एरिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, यानी ये आपको याद रखना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और जो रिवर कुंती है वो नीलगिरी हिल से ही वहाँ से निकलती है, डिसेंड करती है और इसके थ्रू होते हुए जाती है, पास करती है, और ये नीलगिरी हिल पे ही लोकेटेड है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है रिवर कुंती, यहाँ से रिवर फ्लो करती है। और ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसका, ये जो रिवर कुंती है ट्रिब्यूटरी है किसका, तूथा फूजा का, जो कि ट्रिब्यूटरी हो जाता है फिर से किसका, भारत फूजा का रिवर का, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है केरला का पेरियार रिवर के बाद, भारत फूजा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉनल स्पेसीज है वो हो गया लाइन टेल्ड मकाक, नीलगिरी रंगूर, मालाबार जॉइंट स्क्विरल, नीलगिरी ताहर, और यहाँ पे जो है साइलेंट वैली बुश फ्रॉग मिला था, जिसका कि नेमिंग किया गया था इसी नेशनल पार्क के बेसिस पे, इसका नेमिंग किया गया था 2016 में ये फ्रॉग मिला था, जिसका नाम है रेओर चेस्टेस साइलेंट वैली। यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ही डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नेमिंग इसके नाम पे किया गया, इसी पार्क के नाम पे किया गया, 2016 में इसे डिस्कवर किया गया था। तो अब हम लोग इसे एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। टोटल एरिया लगभग 90 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, 1993 में इसे डिक्लेयर किया गया था। तो ये 6 नेशनल पार्क था टोटल केरला का, वो सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग तमिलनाडु में जितने भी नेशनल पार्क हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तमिलनाडु में टोटल 5 नेशनल पार्क है। तो पहला नेशनल पार्क जो है वो है मुदुमलाई नेशनल पार्क, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ऐसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है। और ये तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो है नीलगिरी हिल का, वहाँ पे सिचुएटेड है। ये अपना बाउंड्री शेयर करता है कर्नाटका के साथ और केरला के साथ। अब एक बार इसे मैप में देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, ये केरला के साथ नेशनल शेयर करेगा बाउंड्री को, और कर्नाटका के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। और कर्नाटका में एक नेशनल पार्क है, वो है बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क। अब ये दोनों नेशनल पार्क के बीच से मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी मुदुमलाई नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क से एक रिवर फ्लो करती है, जो कि ये दोनों को सेपरेट करती है। वो रिवर का नाम है मोयार रिवर, मोयार रिवर। तो मोयार रिवर जो है सेपरेट करती है वो बंदीपुर नेशनल पार्क को और मुदुमलाई नेशनल पार्क को, दोनों को सेपरेट करती है मोयार रिवर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं मोयार रिवर सेपरेट्स बंदीपुर को मधुमलाई नेशनल पार्क से, मधुमलाई नेशनल पार्क से सेपरेट करती है। ये रिवर जो फ्लो करती है वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर से होते हुए फ्लो करती है। और ये जो मधुमलाई नेशनल पार्क है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका टोटल एरिया जो है वो है 321 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इम्पोर्टेंट फॉना स्पीसीज है वो है इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, गौर, इंडियन लेपर्ड। और जो कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया इंडियन, जैसे बर्ड स्पीसीज हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज हो गया, जैसे इंडियन वाइट रम्प्ड वल्चर हो गया, लॉन्ग बिल्ड वल्चर हो गया, ये दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये दोनों बर्ड स्पीसीज है। दूसरा नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु का वो है मुकुर्ति नेशनल पार्क। इसे जो है पहले नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क भी बोला जाता था। इसे नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसे क्रिएट ही किया गया था, जो की स्टोन स्पीसीज है नीलगिरी ताहर, उसको मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए इसे क्रिएट किया गया था, यानी नोटिफाई किया गया था, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, इसलिए इसे नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क बोला जाता था। लेकिन बाद में इसका नेमिंग चेंज करके मुकुर्ति नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये लोकेटेड है जो नीलगिरी प्लेटू है उसके वेस्टर्न कॉर्नर पे ये लोकेटेड है,
और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फौना स्पेसीज है, अदर इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज हो गया, वो हो गया टाइगर, हो गया एलिफेंट, हो गया, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो थ्रेटेंड स्पेसीज हो गया, जैसे हो गया वो हो गया नीलगिरी ताहर, नीलगिरी मार्टिन, नीलगिरी रंग लंगूर, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ये भी नेशनल पार्क जो है, यानी मुदुमलाई नेशनल पार्क तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये भी नेशनल पार्क जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क दोनों का दोनों जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये जो है एज ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, चूँकि ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है तो ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। 2012 से ही इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। और यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी पाया जाता है वो टोडा ट्राइब यहाँ पे पाए जाते हैं। और टोटल एरिया जो है इस नेशनल पार्क का वो है लगभग 79-80 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है इसका। अब इसे हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क के जस्ट ऊपर में नॉर्थ में क्या है मुकुर्ती नेशनल पार्क। ये दोनों का दोनों जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तीसरा नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में वो है आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। यानी ये एक टाइगर रिजर्व भी है, अगर टाइगर रिजर्व है तो इसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और इसी को बोलते हैं इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ये। और ये लोकेटेड है अन्नामलाई हिल पे लोकेटेड है, जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट और तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी दो डिस्ट्रिक्ट में ये भी फैला हुआ है। और जो फौना स्पेसीज इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज है वो है बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, इंडियन लेपर्ड, नीलगिरी ताहर, लायन टेल्ड मकाक, ये इम्पोर्टेंट फौनल स्पेसीज है। और इसे एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, इसके जस्ट नीचे है मुदुमलाई नेशनल पार्क के जस्ट नीचे, यानी साउथ में। अब तीसरा चौथा नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु का वो है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार जो है एक मरीन नेशनल पार्क है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया का। इसमें लगभग 21 स्मॉल आइलैंड इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी उस पर लोकेटेड है। और इसके एडजेसेंट में जो है कोरल रीफ भी है इन द गल्फ ऑफ मन्नार इन इंडियन ओशियन। ये लोकेटेड जो है वो रामानंदपुरम और टूटीकोरियन डिस्ट्रिक्ट, यानी दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है उसका कोर एरिया को डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क। यानी ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इसका टोटल एरिया जो है नेशनल पार्क का वो है 560 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एनिमल स्पेसीज पाए जाते हैं, फौनल स्पेसीज पाए जाते हैं, वो है डुगोंग। डुगोंग एक क्या है वल्नरेबल मरीन स्पेसीज है, मैमल है। ये एक फ्लेक्सिप मैमल है इस पार्क का। ये सिटेशियंस के लिए इम्पोर्टेंट हैबिटेट माना जाता है, जैसे कि हो गया इंडो पैसिफिक बोटल नोज डॉल्फिन, हो गया फिनलेस पोर पॉइज, हो गया स्पिनर डॉल्फिन, हो गया कॉमन डॉल्फिन, हो गया रिसो डॉल्फिन, हो गया मेलोन हेडेड व्हेल, हो गया ड्वार्फ स्पर्म व्हेल, हो गया और लार्जर व्हेल में जैसे हो गया स्पर्म व्हेल, हो गया मिनके व्हेल, हो गया बर्ड्स व्हेल, हो गया सी व्हेल, हो गया। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज अगर देखें तो यहाँ पे हो गया हम बैक व्हेल, हो गया फिन व्हेल, हो गया ब्लू व्हेल, हो गया, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है, तो एक बार इसे याद रखना है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज ये सब हैं। और इसे आप मैप में देख सकते हैं, ये तमिलनाडु है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। ये लगभग 560 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के एरिया में ये लोकेटेड है। और जो लास्ट नेशनल पार्क है वो है गिंडी नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है चेन्नई में। और इसका इम्पोर्टेंट फौनल स्पेसीज यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो है ब्लैक बक, चीतल, स्पॉटेड डियर भी इसको बोलते हैं, जैकल, स्मॉल इंडियन सीवेट, कॉमन पाम सीवेट, बोनेट मैकाक, हाइना, पेंगोलिन, हेड हॉग, कॉमन मैंगूज, थ्री स्ट्राइप्ड पाम स्क्विरल। और ये टोटल एरिया जो है इसका है वो 2.7 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और इसे एक बार मैप में देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिंडी नेशनल पार्क जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। तो इस तरह से जितने भी नेशनल पार्क था, पांच नेशनल पार्क था,
तमिलनाडु में पाँचों पाँचों नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग कर्नाटका के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्नाटका में भी टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। तो पहला नेशनल पार्क जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है इस्टेब्लिश किया गया था एज ए टाइगर रिजर्व 1974 में। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। और ये लोकेटेड है नेशनल पार्क चमराजनगर और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, यानी दो डिस्ट्रिक्ट में ये भी फैला हुआ है। चमराजनगर डिस्ट्रिक्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, वहाँ पे फैला हुआ है। बंदीपुर इज नॉन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड हैड मैनी टाइप्स ऑफ बायोम, यानी ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बायोम्स भी बहुत वैरायटी का है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे डोमिनेंट बायोम है वो है ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। जो बंदीपुर नेशनल पार्क ये लोकेटेड है ज्योग्राफिकली अगर देखें तो जहाँ पर डेक्कन प्लेटो जो है मीट करता है वेस्टर्न घाट से, वहीं पे ये लोकेटेड है, उसके जंक्शन पे ही लोकेटेड है। और जो एल्टीट्यूड का रेंज है यहाँ पे 680 मीटर से लगभग 1454 स्क्वायर मीटर के अल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है, जिसके कारण से यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ बायोम्स हैं। जैसे हो गया ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट हो गया, मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट हो गया, स्लब लैंड्स हो गया, ये सब वेराइटी ऑफ बायोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जब डिफरेंट वैरायटी ऑफ बायोम्स हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और इस जो ये जो नेशनल पार्क है इसके नॉर्थ में जो है कावनी रिवर फ्लो करती है और इसके साउथ से जो है मोयार रिवर फ्लो करती है और नुगू रिवर जो है पार्क से होते हुए फ्लो करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मोयार रिवर हम लोग पढ़े भी थे कि जो मुदुमलाई नेशनल पार्क को सेपरेट करती है किस बंदीपुर नेशनल पार्क से, वो है मोयार रिवर। तो ये साउथ में लोकेटेड है और कावनी रिवर जो है नॉर्थ में लोकेटेड है बंदीपुर नेशनल पार्क का, और नुगू रिवर जो है पार्क से होते हुए फ्लो करती है। और जो हाईएस्ट पॉइंट है पार्क का वो लोकेटेड है, एक हिल है उसके वहीं पे ये लोकेटेड है, जो जिस हिल का नाम है हिमबाड गोपाल स्वामी बेट्टा, जहाँ पे एक हिंदू का टेम्पल भी है उसके समिट पे, यानी पीक पे एक हिंदू का टेम्पल भी है। अगर इसका क्लाइमेट को देखें, यहाँ पे क्लाइमेट जो है तो ये टिपिकली जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है विथ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, यानी डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन है। यहाँ पे ड्राई और हॉट पीरियड जो है अर्ली मार्च से ही स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है कब तक, लास्ट रहता है मॉनसून जब तक नहीं पहुँच जाता है। जून में जब मॉनसून होता है तब ये जा करके एंड होता है हॉट और ड्राई पीरियड। और जो नेशनल पार्क जो है पूरा 874 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये जो है एडज्वाइनिंग जो भी नेशनल पार्क है, जैसे नगर हॉल नेशनल पार्क हो गया जिसका 643 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके साथ मिलकर के क्या करता है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये, यानी उसको फॉर्म करता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये लोग, ये सब यानी बंदीपुर नेशनल पार्क, नगर हॉल नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी इसके एडज्वाइनिंग नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सब मिलकर के यानी पार्ट है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नगर हॉल नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्तु नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब सारे के सारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इंपॉर्टेंट फ्लोरा स्पेसीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्लाइमेट जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो यहाँ पे जो फ्लोरा स्पेसीज भी उसी तरह का होगा। तो इसलिए यहाँ पे टीक हो गया, रोजवुड हो गया, सिंडलवुड, ये सब पाए जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट फोना स्पेसीज होगा वो है टाइगर, एलिफेंट, गौर, सांबर, चीतल, डियर, एंटीलॉप, वाइल्ड बोर्स, ये सब इंपॉर्टेंट फोना स्पेसीज पाए जाते हैं। और इसे एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं ये कर्नाटका का मैप है और ये जो है बंदीपुर नेशनल पार्क है और इसके जस्ट ऊपर में नॉर्थ में नगर हॉल नेशनल पार्क है जिसे कि राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। दूसरा नेशनल पार्क जो है कर्नाटका का वो है नगर हॉल नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ये लोकेटेड है कर्नाटका के कोडागु और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, फैला हुआ है, यानी दो डिस्ट्रिक्ट में ये भी फैला हुआ है। ये अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि नगर हॉल नेशनल पार्क किसका पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, इसे जो है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है
रिकॉग्नाइज किया गया। ये टोटल जो एरिया है इसका 634 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज है, टाइगर है, गौर है, एलिफेंट है, इंडियन लेपर्ड है, डियर हो गया, डियर स्पेसीज में हो गया चीतल, सांभर, ये सब पाए जाते हैं। और जो ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे मेनली पाया जाता है फॉरेस्ट में, वो है जेनू कुरुबा। जेनू कुरुबा ये याद रखना है आपको कि जेनू कुरुबा ट्राइब यहाँ पे पाया जाता है, जो कि प्राइमरी इनहेबिटेंट है। और स्लोली स्लोली इसका पॉपुलेशन जो है क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, जो कि एक कंसर्न है। तो आप इसे मैप में देख लीजिए, जस्ट बंदीपुर नेशनल पार्क के जस्ट नॉर्थ में ही नगरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड है। तीसरा नेशनल पार्क जो है कर्नाटका का, वो है बानेरघाट नेशनल पार्क, जो कि बेंगलोर के पास लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया जो है 261 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये फौना स्पेसीज, इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज यहाँ पे जो पाए जाते हैं, वो है इंडियन एलिफेंट, गौर, इंडियन लेपर्ड, जैकाल, फॉक्स, स्लॉथ बियर, इंडियन गेजल, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, ये सभी इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज पाए जाते हैं। और इसे एक बार मैप में देख लेते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बानेरघाट नेशनल पार्क है। मिनट, ये देखिए बानेरघाट नेशनल पार्क है। तीसरा नेशनल पार्क जो है वो है कुदेरमुख नेशनल पार्क। इसका नेमिंग जो किया गया है, एक हाईएस्ट हिल पीक है कर्नाटका में, कुदेरमुख पीक, उसके नाम पे इसका नेमिंग किया गया है, जो कि 1892 मीटर्स का उसका हाइट है। इसे जो है क्यून ऑफ हिल पीक भी बोला जाता है कर्नाटका में। इसका नेमिंग कुदेरमुख इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका यानी शेप जो है, यानी सीवार्ड की तरह है, सी की तरफ है, झुका हुआ है, जो कि हॉर्स के फेस की तरफ होता है। इसका मतलब हो गया कुदेरमुख मतलब हॉर्स फेस, इसीलिए इसका नाम कुदेरमुख है। और इसी पीक के बेसिस पे जो भी आसपास का एरिया है, उसी का नेमिंग भी इसी पीक के नाम पे किया जाता है, जैसे कुदेरमुख टाउन, कुदेरमुख नेशनल पार्क, ये सब नेमिंग किया जाता है। और कुदेरमुख नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक दक्षिण कन्नड़, उदुपी और चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, 3 डिस्ट्रिक्ट के जंक्शन पे फैला हुआ है, दक्षिण कन्नड़, उदुपी और चिकमगलूर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुदेरमुख नेशनल पार्क जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। यहाँ पे जो मेजर रिवर फ्लो करती है, मेजर रिवर जो यहाँ से फ्लो करती है, सोर्सेस है मेजर रिवर का, वह है तुंगा रिवर, भद्रा रिवर, नेत्रावती रिवर, ये सब यहाँ से रिवर फ्लो करती है। और भी जो है माइनर रिवर जैसे हो गया फ्लो करती है, वो है गुरुपुरा रिवर, यनिहोल रिवर, स्वर्ण रिवर, सीतबंदी रिवर, ये सब माइनर रिवर भी यहाँ से निकलती है, यानी उसका कैचमेंट को फॉर्म करती है। अगर ज्योग्राफिकली इसे देखा जाए तो ये जो मिड वेस्टर्न घाट है उसके मिडिल में लोकेटेड है। अगर यहाँ पे हम फ्लोरा स्पेसीज को देखें तो यहाँ पे जो लो लिस्ट डिस्टर्ब्ड लो अल्टीट्यूड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और सोला ग्रासलैंड बायोम भी यहाँ पे पाया जाता है। और कुदेरमुख नेशनल पार्क जो है यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट कंटिग्यूस पॉपुलेशन जो है लाइन टेल्ड मकाक का पूरा वर्ल्ड में पाया जाता है। और यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के कारण से यहाँ पे जो है top 3 कार्निवोर्स भी पाया जाता है, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, वाइल्ड डॉग्स, ये top 3 कार्निवोर्स यहाँ पे पाया जाता है। और अदर इंपॉर्टेंट फौना स्पेसीज हो गया टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये तो तीनों टॉप कार्निवोर्स हो गया। और मालाबार जायंट स्क्विरल हो गया, कॉमन लंगूर हो गया, स्लॉथ बियर, गौर, पोर्क्यूपिन, सांबर हो गया, बार्किंग डियर, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। बर्ड स्पेसीज में अगर देखें तो हो गया मालाबार ट्रोगन, फिर मालाबार विस्लिंग थ्रस्ट, ग्रेट पाइड हॉर्नवील, द इम्पीरियल पिजन, ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बर्ड स्पेसीज पाया जाता है। और जो अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पे कदम्बी वाटरफॉल यहीं पे है लोकेटेड, जो कि इसका अट्रैक्शन पॉइंट है। और इसे एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुदेरमुख नेशनल पार्क, ये कुदेरमुख नेशनल पार्क है। और लास्ट नेशनल पार्क जो है कर्नाटका का, वो है अंसी नेशनल पार्क। ये उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया अगर देखें तो 340 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये जो अंसी नेशनल पार्क है, ये मेनली पार्ट है काली टाइगर रिजर्व का पार्ट है। ये जो अंसी नेशनल पार्क है, ये डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ही लोकेटेड है। तो ये दोनों को मिला करके, अंसी नेशनल पार्क और डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, दोनों को मिला करके डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2007 में। बाद में इसी का रीनेम करके, इसी को रीनेम करके
काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया, यानी डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व को रीनेम करके ही काली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। अंसी नेशनल पार्क को जो नोटिफाई किया गया था वो 2003 में नोटिफाई किया गया था, और ये जो पार्क है ये हैबिटेट माना जाता है बंगाल टाइगर का, ब्लैक पैंथर का, इंडियन एलिफेंट्स का। काली रिवर जो है फ्लो करती है इसी टाइगर रिजर्व के थ्रू फ्लो करती है, काली टाइगर रिजर्व से ही फ्लो करती है काली रिवर, जो कि लाइफ लाइन माना जाता है यहाँ के इकोसिस्टम के लिए। और जो टाइगर रिजर्व है ये 1300 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इसे एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंसी नेशनल पार्क है। तो इस तरह से पांच नेशनल पार्क था कर्नाटक में, पांचों पांचों के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग आंध्र प्रदेश के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश में टोटल जो है 3 नेशनल पार्क हैं। तो पहला नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये लोकेटेड है ईस्टर्न घाट में, और ये सेसाचलम हिल जो कि कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, और तिरुमला हिल जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यानी दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, और ये सेसाचलम हिल और तिरुमला हिल दोनों में लोकेटेड है। और टोटल एरिया जो है ये 353 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल है, जिसमें से मेजर वाटरफॉल है तालाकोना वाटरफॉल, गुंडाला कोना वाटरफॉल और गुंजन वाटरफॉल। ये तीनों इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में सेसाचलम हिल को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था, इसलिए ये नेशनल पार्क इसी का पार्ट में आता है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली ये भी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो मोस्टली जो रेनफॉल रिसीव होता है इस यहाँ पे नेशनल पार्क में, वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, और बहुत कम रेनफॉल जो है साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू यहाँ पे रिसीव होता है। इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी देखने को मिलेगा, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट और मॉस्ट डेसीडियस टाइप मिक्स्ड वेजिटेशन देखने को मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट फौना स्पेसीज है अगर देखें तो यहाँ पे जो प्रीडेटर में अगर देखा जाए तो प्रीडेटर में मेनली जो है लेपर्ड यहाँ पे कॉमनली देखा जाएगा, और भी इसके साथ साथ है जैसे वाइल्ड डॉग हो गया, और भी अदर प्रीडेटर में आ गया जैसे गोल्डन जैकाल, इंडियन फॉक्स, स्मॉल इंडियन सीवेट और जंगल कैट, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीडेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और स्लॉथ बियर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर सांबर हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, फिर हो गया माउस डियर हो गया, बार्किंग डियर हो गया, फोरहॉर्न एंटीलॉप हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, ये सब मेन उनगुलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसे आप एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश है और ये श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश के सबसे साउथ में ये सिचुएटेड है। दूसरा नेशनल पार्क जो है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो सबसे पहले हमारे राजीव गांधी नेशनल पार्क कितने हैं भारत में वो हम लोग जान लेते हैं, और किसको किसको राजीव गांधी नेशनल पार्क से जाना जाता है। तो पहले राजस्थान में एक है मुकुर्ती नेशनल पार्क जो हम लोग पढ़े थे, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसी तरह से फिर कर्नाटका में हम लोग देखे थे नागरहोल नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है, इसे भी राजीव गांधी नेशनल पार्क बोला जाता है। फिर असम में उसी तरह से है ओरंग नेशनल पार्क, इसे भी राजीव गांधी नेशनल पार्क बोला जाता है। और चौथा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम जो है रामेश्वरम नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे रीनेम करके राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश में वो है रामेश्वरम में, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम में लोकेटेड है। इसका टोटल एरिया 2.4 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये जो है पेन्ना रिवर के नॉर्थ बैंक पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है। और ये जो ओरिजिनली इसका नेमिंग जो था वो था रामेश्वरम नेशनल पार्क, लेकिन बाद में इसे जो है रीनेम कर दिया गया राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसे मैप में एक बार देख लेते हैं, तो जस्ट श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के जस्ट ऊपर में यानी नॉर्थ में वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। और जो लास्ट नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि पापी हिल जो कि ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, वहीं पे ये लोकेटेड है, पापी हिल पे लोकेटेड है। और ये टोटल एरिया जो है इसका 1000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसे जो है इम्पोर्टेंट बर्ड लाइफ सेंचुरी
सॉरी इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया और बायोडाइवर्सिटी एरिया भी डिक्लेयर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा 2016 में। और जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है इससे गोदावरी रिवर फ्लो करती है इसी पार्क के थ्रू, तो ये आपको याद रखना है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क से गोदावरी रिवर फ्लो करती है। और जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज है यहाँ पे वो है बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, रस्टी स्पॉटेड कैट, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, स्लॉथ बियर, स्मॉल इंडियन सीवेट, एशियन पाम सीवेट, वाइल्ड बोर, हनी बेजर और हर्बी फोर्स। यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो है स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, इंडियन मुंटेजक, इंडियन स्पॉटेड, चेबरोटेन, गौर, नील गाय और फोर हॉर्न एंटीलॉप, ये सब यहाँ पे हर्बी फोर्स देखने को मिलेगा। और बर्ड स्पेसीज में अगर देखें तो वो है ब्लैक बेलीड टर्ड, पेल कैप्ड पीजन, येलो थ्रोटेड बुलबुल, ओरिएंटेड डार्टर, पैलिड हैरियर, ग्रेट थिक नी, रिवर लैपविंग, रिवर टर्न, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, एलेक्जेंड्रिन पार्किट, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बर्ड स्पेसीज देखने को मिलेगा। और इसे एक बार मैप में देख लेते हैं तो जस्ट सबसे नॉर्थ में जो है आंध्र प्रदेश में वो सिचुएटेड है पापीकोंडा नेशनल पार्क, और यहीं से गोदावरी रिवर फ्लो करती है। तो तीन नेशनल पार्क था आंध्र प्रदेश में, वो तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है हम लोग तेलंगाना के सारे नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। तो तेलंगाना में टोटल तीन नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी टोटल तीन नेशनल पार्क है। तो पहला है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है जुबली हिल और बंजारा हिल हैदराबाद में, ये लोकेटेड है तेलंगाना के हैदराबाद में, ये लोकेटेड है जुबली हिल और बंजारा हिल में लोकेटेड है। टोटल एरिया इसका जो है 1.6 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ये इसे आप मैप में देख सकते हैं। और दूसरा नेशनल पार्क जो है वो है महावीर हरिन वन स्थली नेशनल पार्क। ये एक डियर नेशनल पार्क है जो कि वन स्थली पुरम में लोकेटेड है, जो कि साहेब नगर हैदराबाद के साहेब नगर में सिचुएटेड है। और इसका टोटल एरिया जो है लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और इंपॉर्टेंट फौना स्पेसीज जो है वो पैंथर है, ब्लैक बक है, चीतल डियर है, वाइल्ड बोर है, सीवट है, पॉर्क्यूपिन है, पीकॉक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में इसे महावीर हरिन वनस्थली नेशनल पार्क, इसके जस्ट यानी जो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क था उसके जस्ट ईस्ट में लोकेटेड है, ये भी हैदराबाद में ही लोकेटेड है। और तीसरा जो लास्ट नेशनल पार्क है तेलंगाना का वो है मृगवाणी नेशनल पार्क जो कि हैदराबाद में, ये भी लोकेटेड है हैदराबाद में। और ये टोटल एरिया में फैला हुआ है 3.6 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जो पार्क जो होम माना जाता है यहाँ पे 350 स्पॉटेड डियर का होम माना जाता है, यानी यहाँ पे देखे जाते हैं। और अदर एनिमल स्पीसीज अगर देखा जाए तो इंडियन हेयर है, फॉरेस्ट कैट है, सीवेट हो गया, इंडियन रेड स्नैक हो गया, रसेल्स वाइपर हो गया, चीतल हो गया, फ्लावर पैकर, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। और इसको अगर मैप में देखें तो ये जो यानी महावीर हरिन वनस्थली नेशनल पार्क था उसके जस्ट यानी और जो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क उसके वेस्ट में ही लोकेटेड है, यानी उससे थोड़ा सा यहाँ यानी यहाँ पे ये लोकेटेड है मृगवाणी नेशनल पार्क, इसके जस्ट यहाँ पे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क लोकेटेड है, और यहाँ पे जो है आपका वनस्थली नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो इस तरह से तीनों नेशनल पार्क तेलंगाना में था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लास्ट जो पढ़ना है हम लोग को वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जितने भी नेशनल पार्क हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले अंडमान एंड निकोबार के सारे नेशनल पार्क के पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा अंडमान एंड निकोबार के ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं जो कि बेसिक है और ये प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है। तो जो मेन आइलैंड है यानी अगर देखा जाए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसको मेन इम्पॉर्टेंट यानी है तो बहुत सारे यहाँ पे लगभग 850 के आसपास यहाँ पे आइलैंड है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको मेन आइलैंड में इसे डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर अंडमान को देखें तो अंडमान को इसे चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। उसी तरह से निकोबार आइलैंड को जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तीन मेन पार्ट में डिवाइड किया हुआ, कार निकोबार, फिर हो गया लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। और इसको अगर देखा जाए ये फॉर्म कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि ये मेनली जो है ओशनिक फॉल्ट माउंटेन के कारण से उसी का यानी एक्सटेंडेड पोर्शन है ये, जो कि टर्शियरी इपोक के समय इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी ये हिमालय जो है उससे काफ़ी ओल्ड है। यहाँ पे लगभग 860 आइलैंड के आसपास है जिसमें से 38 जो है इनहेबिटेड है, यानी यहाँ पे लोग रहते हैं। इसका अगर टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख के आसपास है।
और टोटल एरिया अगर देखा जाए आइलैंड का, अंडमान निकोबार आइलैंड का, तो लगभग 8200 स्क्वायर किलोमीटर का है टोटल एरिया है। और टोटल आइलैंड 836 हो गया, जिसमें इनहेबिटेबल है यानी इनहेबिटेड है 38 आइलैंड। और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है 3 डिस्ट्रिक्ट है टोटल यहाँ पर, और टोटल 9 तहसील है। तो इसे एक बार पहले मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैप देखते हैं, तो ये अंडमान वाली पोर्शन है, अंडमान आइलैंड। तो अंडमान आइलैंड को 4 पार्ट में यहाँ पे मेनली डिवाइड किया गया, नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया और लिटिल अंडमान हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान को जो डिवाइड करता है वो है डंकन पासे। डंकन पासे जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से पास होता है। और जो आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो आपका साउथ अंडमान पे लोकेटेड है। उसी तरह से बैरन आइलैंड देखें, जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव आइलैंड है यानी वोल्केनो आइलैंड है, वो आपका मिडिल अंडमान के ईस्ट में लोकेटेड है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है कि बैरन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये मिडिल अंडमान के जस्ट ईस्ट में लोकेटेड है, जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। और नारकोंडम आइलैंड जो है, नारकोंडम आइलैंड जो है नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। और जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या करता है कि अंडमान को निकोबार से क्या करता है, सेपरेट करता है, अंडमान को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है, डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री नॉर्थ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर और प्रिसाइज करके देखें तो ये जो है 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है किससे, कार निकोबार आइलैंड से। लिटिल अंडमान आइलैंड को सेपरेट करता है किससे, कार निकोबार आइलैंड से। और ये निकोबार आइलैंड वाला ग्रुप है, तो ये कार निकोबार आइलैंड, फिर हो गया लिटिल निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड। जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार पे ही लोकेटेड है इंदिरा पॉइंट। तो एक बार हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो सिचुएटेड है साउथ अंडमान में ही सिचुएटेड है। और जो इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है इंडिया का, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे सिचुएटेड है। बैरन आइलैंड जो कि इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, वो मिडिल आइलैंड के ईस्ट में लोकेटेड है। उसी तरह से नारकोंडम आइलैंड जो कि वोल्केनिक आइलैंड है, ये भी ध्यान रखना है कि नारकोंडम आइलैंड ये भी एक वोल्केनिक आइलैंड है जो कि नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। और मोर प्रिसाइजली अगर देखें तो कार निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है किससे, लिटिल अंडमान आइलैंड से। और डंकन पास जो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान से पास करता है। उसी तरह से कोको स्ट्रेट एक है, तो कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का पार्ट है, ये कोको आइलैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोको आइलैंड को से जो पास करता है ये कोको स्ट्रेट है, जो कि कोको आइलैंड जो कि म्यांमार में है और नॉर्थ अंडमान से के बीच से होकर के गुजरता है। कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच से होकर के गुजरता है कोको स्ट्रेट। और सेडल पीक जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड का, जिसका कि हाइट जो है 738 मीटर है, जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड का। और सेकेंड हाईएस्ट पीक जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो है माउंट थुलियर जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है, 642 मीटर उसका हाइट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेडल पिक जो कि हाईएस्ट पिक है अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो नॉर्थ अंडमान में ही लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। और जो सेकेंड हाईएस्ट पिक जो है वो माउंट थुलियर, वो ग्रेट निकोबार पे लोकेटेड है। तो ये हो गया नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार आइलैंड, लिटिल निकोबार आइलैंड और ग्रेट निकोबार, यानी यहाँ पे ये लोकेटेड है। कौन सा, माउंट थुलियर जो कि सेकेंड पीक है। यहाँ पे सेम चीज़ है, ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। और ये निकोबार वाली पार्ट है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये कैंपेल वे है और इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार पे लोकेटेड है, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। और लिटिल निकोबार आइलैंड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। और ये कार निकोबार आइलैंड हो गया, फिर इसी तरह लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आइलैंड। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसे एमरेल्ड आइलैंड भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है, एमरेल्ड आइलैंड भी इसे बोला जाता है।
तो अब यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, यहाँ पे टोटल 9 नेशनल पार्क है। टोटल नेशनल पार्क जो है 9 है अंडमान निकोबार, यानी सबसे हाईएस्ट नंबर जो है नेशनल पार्क जो है, नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे 11 नेशनल पार्क है टोटल। और सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, जहाँ पे 9 नेशनल पार्क है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला नेशनल पार्क जो है वो कैंप बेल बे नेशनल पार्क जो कि ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। यहाँ पे देखें अभी कि कैंप बेल बे ग्रेट निकोबार पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार पे ये लोकेटेड है। और ये जो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और टोटल एरिया जो है इसका 426 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दूसरा नेशनल पार्क जो है वो गलेथिया नेशनल पार्क है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ही, ये भी ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है। और जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज यहाँ पे है, जायंट रॉबर क्रैब, मेगापोड, निकोबार पिजन, ये सब इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज है। अगर फरवरी से दिसंबर के बीच में देखें तो जो लार्जेस्ट टर्टल माना जाता है वर्ल्ड का, जो कि लेथरबैक टर्टल होता है, वो यहाँ पे आता है और रहता है, नेस्ट करता है। और ये टोटल जो है गलेथिया नेशनल पार्क जो है 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और तीसरा नेशनल पार्क जो है वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये एक मरीन नेशनल पार्क है। ये अंडमान आइलैंड पर लोकेटेड है, ये जो है सदर्न अंडमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और दो मेजर आइलैंड ग्रुप यहाँ पे है, यानी 20 से ज़्यादा आइलैंड ग्रुप में ये फैला हुआ है, लेकिन दो मेजर आइलैंड ग्रुप जो है यहाँ पे है वो है लेबरी नेथ आइलैंड और ट्विन आइलैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट है, और ये टोटल एरिया में जो फैला हुआ है 281 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और चौथा जो है वो है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क का पार्ट है, जो कि साउथ अंडमान के कोस्ट पे लोकेटेड है। ये 64 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और पाँचवा जो है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जो कि थर्ड हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार का। पहला फर्स्ट हाईएस्ट पीक जो है वो सेडल पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। और सेकेंड जो है माउंट थुलियर है, जो कि ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। और थर्ड हाईएस्ट पीक जो है वो आपका माउंट हैरियट है, उसी के नाम पे इसका नेमिंग किया गया। वो 383 मीटर हाइट है उसका। और जो इम्पोर्टेंट फौनल स्पेसीज है वो है अंडमान वाइल्ड पिक श्रू, जिसमें है अंडमान श्रू, जैंकिन श्रू, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और टर्टल, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये बटरफ्लाई हॉटस्पॉट्स भी है, ये भी ध्यान रखना है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क के बटरफ्लाई हॉटस्पॉट्स भी माना जाता है। और टोटल एरिया जो है इसका 46.62 स्क्वायर किलोमीटर है। और फिर पाँचवा नेशनल पार्क है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये भी अंडमान डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये भी जो है रानी झांसी नेशनल पार्क के पार्ट है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है, सॉरी, इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज पाए जाते हैं वो है दुगोंग, डॉल्फिन, वाटर मॉनिटर, लेजार्ड एट्सेट्रा। और एरिया जो है ये 114 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जो छठा नेशनल पार्क है वो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, जो कि दरीची आर्किपलागो में लोकेटेड है। आर्किपलागो मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड मिलकर के एक आर्किपलागो फॉर्म करता है, यानी उसमें बहुत सारे आइलैंड होंगे, यानी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम आर्किपलागो बोलते हैं। तो जो रिची आर्किपलागो है, रिची आइलैंड है, वहाँ पे लोकेटेड है। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे जो है कोरल रीफ भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। तो रिची आर्किपलागो हम लोग पहले एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैरन आइलैंड के जस्ट नीचे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाली जो आइलैंड ग्रुप है, इसे रिची आर्किपलागो ही बोला जाता है। और यहाँ पे जो है इसके जस्ट आसपास में जो है हैवलॉक आइलैंड भी है, हैवलॉक। तो ये याद रखना है कि हैवलॉक आइलैंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट है। और सातवां नेशनल पार्क जो है वो है सेडल पीक नेशनल पार्क, ये सेडल पीक पे ही लोकेटेड है। सेडल पीक आपको पता है कि नॉर्थ अंडमान पे लोकेटेड है। ये टोटल एरिया कवर करता है 32 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट फौना स्पेसीज है वो है अंडमान वाइल्ड पिक, अंडमान हिल माइना, अंडमान इम्पीरियल पिजन, वाटर मॉनिटर, डॉल्फिन्स, वेल्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है। और लास्ट जो नेशनल पार्क है, नम्मा नेशनल पार्क है, वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये जो है ये भी रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क का ही पार्ट है। और ये टोटल एरिया इसका जो है 0.03 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है मात्र। और ये जो है इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है। और जो इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। वो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। हेमिस नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो है
साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ही लोकेटेड है। तो इस तरह से जितना भी नेशनल पार्क था इंडिया में, टोटल 104 नेशनल पार्क है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो एमपी में है, 11 है, और दूसरा नंबर पे कौन है, अंडमान निकोबार, जहाँ पे कि 9 है। और सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में ही है, साउथ बटन नेशनल पार्क, और सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। तो इस तरह से सारे नेशनल पार्क जो है समाप्त हो जाता है यहीं पे। और जो भी इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या तो यूपीएससी हो, वो सारा इसका क्वेश्चन आएगा, और जो भी छूट गया है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो नोट्स दिया हुआ है यहाँ पे 5 स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है साउथ बटन, उसको वो करेक्ट कर लेना आप, 0.03 स्क्वायर किलोमीटर है, ना कि 5 स्क्वायर किलोमीटर, वो गलती से टाइप हो गया है। तो और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। और इसका PDF के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास। और अब सारे लेक्चर कंटिन्यूसली आते रहेंगे, अब कोई डिले नहीं होगा। और लास्ट में एंड बटन पे, यानी एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट और नेशनल पार्क का, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से भी आप देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, दोनों का लिंक दिया हुआ है, एनवायरनमेंट का भी जो सीरीज चल रहा है और नेशनल पार्क यानी जो चल रहा है वो भी पूरा सीरीज दिया हुआ है, आप उसे पूरा देख लीजिए। और अगर आपको कुछ भी यानी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।